पूरे पंजाब विच रात 9 बजे तो लेके सवेरे 5 बजे तक पंजाब सरकार वालों कर्फ्यू दी कॉल दी गई है, पर कुछ लोगों के वालों अजे भी इन्हां पाबंदियों नूं छिक्के टंग के गोलियां चलाईयां जा रही हैं। ताज़ा मामला है अमृतसर दे कोट खालसा का, जिथे मामूली विवाद तो बाद एक नौजवान ते दूसरे व्यक्ति वालों गोली चला दी गई और उस नौजवान की जान बाल बाल बची है। उस नौजवान का कहना है छोटी जिही गल नूं लैके झगड़ा होने तो बाद उस उपर गोलियां चलाईयां गईयां हन अते पुलिस वालों मौके ते पहुंच के बयान दर्ज करके कार्रवाई करन दा भरोसा दिता गया है। घटना हुई कि मैं जाना दुध देन तो इन्हें मैनू घेरिया है, पल्ला भी दो बार घेरिया है, बस एह गल हुई। कौन कौन सी जिन्हें घेरिया है? प्रिंसीपल। उस तो बाद इतने आए तो कोई नहीं गलबात, उदो सारा हो गया राजीनामा तो बाद फिर मुंडे सदे, बस फायरिंग। हाँ फायरिंग की, 5-6 फायर की। हाँ जी हाँ जी। पुलिस वो बयान बयून लै गए तो उन्होंने घरों होकर चल गए, तो उन्होंने बाइक लै गए। कारण यह भी ये मेरे वाल दो तीन बार औखा जहा वेंदा है ये करके, तो मैं उन्होंने इन्ना पूछा भी ये वेना गल ही तो इसे गलों नहीं झगड़ा होने संबंधी इतलाह मिली ही ते मौके ते गए हाँ, जो तस्दीक कर रहे हैं, जो तस्दीक होने के सामने गल आएगी उस अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तस्दीक कर लांगे की गल हुई है, जो भी बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं वो मुंडे आंढ गुआंढ नेड़े घर रहिंदे आ, इन्हां दा कदे आपसी मामूली तकरारबाजी हुई है, तो उस संबंधी जो भी तस्दीक करन ते सामने गल आएगी उस अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। सत श्री अकाल। प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नूं लाइक ते सबसक्राइब करो यूट्यूब ते।